हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में अगर आप फोनिक्स ओएस का कोई भी वर्जन यूज करते हैं, एब्स्ट्रागो ओएस, आरओजी या फिर कोई भी वर्जन हो यार, उसमें आप एल स्पीड को प्रॉपरली सेट कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में देखेंगे। एल स्पीड का सेटअप बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपके ओएस को स्पीड अप करना है और कोई भी क्रैश से बचना है, तो एल स्पीड का प्रॉपर सेट होना बहुत जरूरी है, उसी के बारे में देखेंगे। मैं बहुत अच्छे से आपको बताने का कोशिश करूंगा। और गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरे लैपटॉप में जो ओएस है, ये एब्स्ट्रागो ओएस 1.0 लाइट वर्जन है। आपका कोई भी ओएस हो, एल स्पीड का सेटअप सबके लिए सेम ही होता है। तो आपको सबसे पहले अपना ओएस को बूट कर लेना है, उसके बाद एल स्पीड को ओपन करना है। इसको मैं यहाँ पर से फुल स्क्रीन कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और उसके बाद सिंपली इसको लेफ्ट हैंड साइड स्लाइड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को, यहाँ पर हर एक चीज़ को इसमें परफॉर्मेंस करना है आपको। जितना ऑप्शन बता रहा हूँ बस उसी को कीजिए और दूसरा आप करने का कोशिश मत कीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ अनदर एग्जांपल है, इसको भी हम लोग को परफॉर्मेंस पे सेट कर लेना है। और यहाँ पर मोर एग्जांपल लिखा है, इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद यहाँ पर और एग्जांपल आ जाएगा, और स्लाइड कीजिए। इसमें प्रोफाइल में भी आपको डिसेबल्ड है, इसको परफॉर्मेंस पे सेट करना है। और उसके बाद यहाँ पर थीम है तो उसको रहने दीजिए, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग का सेटअप कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर डन पे क्लिक कीजिए। आपको मैं कुछ टिप्स भी बताऊंगा एल स्पीड से आप अपने ओएस को और ज़्यादा फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर सभी सेटिंग हो पाया है कि नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले मेन ट्विक्स में आप चले जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब सेटिंग जैसे मेरे में दिखाई दे रहा है सेम टू सेम होना चाहिए, और कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है। ए बूस्ट शेड्यूलर है, इसको डिसेबल्ड ही रहने दीजिए। यहाँ पर से आप कुछ भी सेटिंग सेलेक्ट मत कीजिए। और उसके बाद आपको अगर बूस्ट करना ही है तो आप वीक में 2 से 3 बार इसको बूस्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, और क्लील मीडिया सर्वर इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओएस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो मेन ट्विक्स में बस इतना ही सेटिंग है। और उसके बाद बैटरी के ऑप्शन में आएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आप लैपटॉप में गेमिंग कर रहे हैं और आपका चार्जर हमेशा से कनेक्टेड रहता है, आप मतलब बैटरी का ज़्यादा यूज नहीं है, तब आप इसको ऑफ कर सकते हैं, इससे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप बैटरी को यूज करके गेम खेलते होंगे तो इसको ऑन ही रहने दीजिए, इससे आपका बैटरी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, बैटरी ज़्यादा समय तक चलेगा। तो मैं तो चार्जर हमेशा कनेक्ट रखता हूँ, तो इसको मैं ऑफ ही कर देता हूँ। और उसके बाद फिर से आपको ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर CPU ट्यूनर का ऑप्शन है, तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन परफॉर्मेंस पे है, और यहाँ पर CPU ऑप्टिमाइजर भी परफॉर्मेंस पे है, तो ऐसे ही आपको भी रखना है। और उसके बाद यहाँ पर LNET ऑप्टिमाइजर, इसको आप कुछ भी मत कीजिए, ये वाईफाई मतलब नेटवर्क से रिलेटेड होता है, परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है इसका, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद IOO ट्विक्स, इसमें आप चले जाइए और इसमें का सेटिंग आप देख सकते हैं, शेड्यूलर ट्यूनर है वो ऑन है। और यहाँ पर IO ब्लॉक्स ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप परफॉर्मेंस पे कर लीजिए। और यहाँ पर डिसेबल IO स्टेट्स, इसको आपको ऑन रखना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर हम रैम मैनेजर में चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको रैम मैनेजर में गेमिंग सेलेक्ट करके रखना है। और जो जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी ट्विक्स, इसको आपको परफॉर्मेंस पे सेट करना है। और यहाँ पर डिसेबल मल्टीटास्किंग लिमिटेशन लिखा हुआ है, अगर आपका लो एंड पीसी है तब इसको ऑन ही रखना है, ताकि आपका बैकग्राउंड में जितना एप्लीकेशन है वो सबको क्लोज कर दे जब हम गेमिंग करते रहते हैं। और अगर आपका अच्छा खासा पीसी है, आपको बैकग्राउंड में भी कुछ रन करना है अच्छे से, तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं ऑन ही रखता हूँ, इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है और गेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है। और उसके बाद आपके लिए टिप्स ये है कि आप क्लीनर पे जाइए, और क्लीनर पे आ करके आप यहाँ पर वीक में 2 से 3 बार इसको क्लियर एप केस कर सकते हैं, और क्लियर जंक फाइल कर सकते हैं यहाँ पर से, और वाइप केच पार्टीशन इसको भी कर सकते हैं, तो इससे हम लोग का जो ओएस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग को सीधा डायरेक्ट सेटिंग पे चले जाना है, और सेटिंग पे यहाँ पर जो जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है जब हम लोग का एग्जाम्पल जिसको परफॉर्मेंस पे किए शुरू में स्टार्ट करते समय, तो उसी के साथ सब चीज़ सेटअप हो जाता है। आपको ध्यान रखना है अप्लाई ऑन बूट, ये ऑप्शन हम लोग का ऑन होना चाहिए, इसको आपको ऑन कर देना है अगर ऑफ है तो। अब हमारे एल स्पीड का सेटअप तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको एक बार फिर से मेन ट्विक्स में जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक कर्नल पैनिक करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको कभी भी ऑन नहीं करना है, नहीं तो फ्री फायर क्रैश का आपके में प्रॉब्लम आने लगेगा। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, इसीलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा फ्री फायर क्रैश होता है, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसी के ऊपर है, तो इस ऑप्शन को आपको कभी भी ऑन नहीं करना है। इसको ऑन करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रैश का प्रॉब्लम आने लगेगा, तो मेरे से गलती से एक बार ऑन हो गया था, तो इस कारण मुझे पता है।
तो आपको बस अब सेटअप कंप्लीट हो गया, एल स्पीड को पूरा क्लोज कर देना है, उसके बाद अपने ओएस को एक बार रीस्टार्ट करना है और 10 से 15 सेकंड में हम लोग का एल स्पीड बूट पे अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, बहुत सारा ऐसे ही जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू।